क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को दिखा है जो अपने खूबसूरत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? क्या आपने कभी मधुर सुर में गाने गाते हुए पक्षी को दिखा है? क्या आपने कभी पानी के ऊपर चलने वाले पक्षी को दिखा है? क्या आपने कभी जमीन पर फुतक कर चलने वाले पक्षी को दिखा है? आज हम आपको ऐसे 10 पक्षियों के बारे में दिखाएंगे। ये पक्षी इतना दुर्लभ है, इसको देखने के लिए आपको दुनिया भर में कोने अनुकोन तक जाना पड़ेगा, मगर आप इस पक्षियों को भी देख सकते हैं हमारा इस वीडियो के जरिया में। इस श्रृंखला की नंबर 1 पर आता है विक्टोरिया क्राउन पिजन। ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया की नाम पर इस पक्षी का नामकरण इसीलिए किया गया है ताकि रानी विक्टोरिया की सिर पर जैसे ताज होते हैं, इस पक्षी की सिर पर ताज जैसा पंख होते हैं। इस पक्षी पिजन की फैमिली में सबसे खूबसूरत पक्षी होती है। इसका हरे पंख, ताज जैसा मुकुट और लाल आंखें इसका खूबसूरती को दुगुना कर देता है। इस पक्षी की नर और मादा को पहचानना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये देखने में एक जैसा होते हैं। इस पक्षी पिजन की फैमिली में सबसे वजनदार होते हैं। इसका वजन केजी से 3.5 केजी तक होते हैं। इस पक्षी ज्यादातर न्यू गिनी में ही पाया जाता है। इस पक्षी जंगल में पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। इस पक्षी को कोई कोई अपना घर पर भी पालते हैं, लेकिन इसका कीमत बहुत ही महंगा होता है। इसका कीमत कम से कम 5 लाख से भी ज्यादा होता है। फिर भी साधारण कबूतर जैसा इतना आसानी से ये बाजार में नहीं मिलता है। हमारा इस श्रृंखला की नंबर 2 पर आता है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये पक्षी को ये नाम क्यों दिया गया है जानते हैं? क्योंकि ये पक्षी देखने से बहुत ही सुंदर है। ये पक्षी का एक दूसरा नाम भी है, इसको मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पक्षी की शरीर पर जो काले रंग की मुलायम पंख होते हैं, वही पंख ब्रिटिश सेना की राइफल ब्रिगेड में होते हैं। इसीलिए इस पक्षी को मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड भी कहते हैं। इस पक्षी देखने में भले ही काला क्यों ना हो, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर देखते हैं। इस पक्षी की गर्दन पर होने वाला इंद्रधनुष पंख इसकी सुंदरता को दोगुना कर देते हैं। इस पक्षी की मेल पक्षी की तुलना में फीमेल पक्षी बिल्कुल अलग होते हैं। इस पक्षी जब अपना पंख फैला कर नाचते हैं तो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इस प्रजाति की मेल पक्षी अपना फीमेल पक्षी को लुभाने के लिए ऐसे पंख खोल कर नाचते हैं, और इस कला की नाचने के लिए ये पक्षी दुनिया भर में फेमस है। इस पक्षी विश्व भर में न्यू गिनी में ही पाया जाता है। इस पक्षी की आबादी दिन ब दिन कम होते जा रहे है। इस श्रृंखला की नंबर 3 पर आता है काकापो। इस पक्षी को देखने के लिए आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। इस पक्षी तोते की प्रजाति का सबसे बड़ा पक्षी है। इसको आउल पैरेट भी कहा जाता है। इसका शक्ल और चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा होता है। इस पक्षी उल्लू की तरह रात्रिचर होता है। ये दिन में सोता है और रात को बाहर निकलता है। काकापो का पंख तो होते हैं, लेकिन ये पंख उड़ने में कोई मदद नहीं करता, बल्कि बॉडी का बैलेंस करने में काम आता है। ये पक्षी उड़ता नहीं, बल्कि फुतक फुतक कर जमीन पर चलता है। ये पेड़ का ऊपर तो चढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ये जमीन का ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से आसानी से दूसरा जानवर का शिकार बन जाता है। खास इसी की वजह से आज इसका आबादी घटकर 200 से भी कम हो गया है। इसकी आबादी की बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ की आदिवासी काकापो की संरक्षण के लिए भी काम करते हैं। यहाँ के आदिवासी कोई घायल काकापो को पाते हैं तो इसका इलाज कराते हैं, इसको खाना खिलाते हैं और बाद में सुरक्षित इसको जंगल में छोड़ देते हैं। इस श्रृंखला की नंबर 4 पर आता है गोल्डन फिजेंट। गोल्डन फिजेंट को चाइनीज फिजेंट और रेनबो फिजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रजाति की नर पक्षी की पंख मल्टी कलर होते है। इंद्रधनुष की सारे रंग इसकी पंख में समा होता है, जैसे की ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो जैसा। इसीलिए इसको रेनबो पिजन कहा जाता है। ये पक्षी ज्यादातर पश्चिम और मध्य चाइना की पहाड़ी क्षेत्र और इंग्लैंड में पाया जाता है। ये पक्षी आमतौर पर घंस जंगल में रहते हैं। गोल्डन पिजन दुनिया की बाकी पक्षियों से बहुत सुंदर माना जाता है, इसीलिए ये पक्षी को दुनिया की खूबसूरत पक्षियों के लिस्ट में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की नर और मादा देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। मादा की तुलना में नर देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इस प्रजाति का नर करीब 1 मीटर तक लंबी होते हैं, जबकि उसका पूंछ इसका शरीर का 2/3 होते हैं। नर की तुलना में इस प्रजाति का मादा कम लंबाई होते हैं। ये करीब 60 से 70 सेंटीमीटर तक लंबाई होते हैं।
इस पक्षी ज्यादातर दिन में खाद्य अन्वेषण में जमीन पर रहते हैं और रात को ऊंची पेड़ पर रहते हैं। अगर इस पक्षी देखने में आपको वाकई खूबसूरत लगते हैं तो एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस श्रृंखला की नंबर 5 पर आता है जुनिन ग्रीव। गंभीर रूप से लुप्त प्राय जुनिन ग्रीव केवल मध्य पेरू की जुनिन झील पर पाए जाते हैं। सफेद और काला रंग के साथ लाल आंखें वाले इस पक्षी को बहुत आसानी से पहचाने जा सकता है। जुनिन ग्रीव एक ऐसा ही पक्षी है जो पानी का ऊपर दौड़ सकता है। सारे विश्व भर में इस पक्षी को देख पाना वाकई दुर्लभ है। इस पक्षी का आबादी घटकर 200 के आसपास पहुंच गई है। विलुप्त प्राय जुनिन ग्रीव की संरक्षण के लिए पेरू की सरकार ने जुनिन लेक पर मछली पकड़ना और शिकार करने का ऊपर रोक लगा रखा है ताकि विलुप्त होने से इस पक्षी को बचा जा सके। अगर अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इस श्रृंखला की नंबर 6 पर आता है सेक्रेटरी बार्ड।